आज मैं आपको लेके आया हूँ रुद्र इनक्लेव में। यहाँ पर शिव जी के बहुत सुंदर मंदिर है, चलिए एक लोटा जल यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो आज एक लोटा जल रुद्र कॉलोनी के इस मंदिर में मैं चढ़ाने वाला हूँ, तो चलिए मेरे साथ एक लोटा जल हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। नमस्ते भी होंगे कुछ नहीं नहीं मेरे पास मैंने कहा नहीं नहीं अंकल हरिओ नम श्री अंकल नमस्त भैया जाने से भगवान बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ करेंगे तो फोटो भी क्लिक हो जाएगी। जी देखो दोस्तों, यह है रुद्र कॉलोनी का शिव मंदिर, जहाँ पर शिव जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। राम जानकी भी माता जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है राम दरबार का। और सामने है जो है शेर वाली मैया है, और गजानन भगवान की बहुत सुंदर यहाँ पर प्रतिमा है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, और मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं शिव जी के अलग अलग मंदिर में जाता हूँ और आप लोगों को घर बैठे ही दर्शन कराता हूँ। तो ये अंकल लोग भी सुबह शाम मंदिर में सेवा देते हैं अपनी। अंकल जी आपका नाम तो बताइए क्या है? एमएस तोमर जी। एमएस तोमर, एमएस तोमर जी है ये। तो सुबह एपी गौर अंकल है ये, केपी गौर अंकल है ये। और ये है चौहान साहब जो रिटायर है, आप लोग है ना, सब लोग रिटायर है और अब भोलेनाथ की सेवा में तत्पर है ये लोग। और यहाँ पर वो सेवा देते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का जो वातावरण है, बहुत ही प्यारा ये मंदिर भी है। छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। और अंकल लोगों की वजह से इसमें मंदिर में मतलब इतनी साफ सफाई है और देखने दिखाने में बहुत खूबसूरत है ये मंदिर। और ये रुद्र कॉलोनी है, अगल बगल में बहुत मकान बने हुए हैं, सभी लोग शिव जी के भक्त हैं और एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को सभी लोग अर्पित करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे हर हर महादेव। अंकल मेरा ये चैनल है प्रेम मीना नर्मदापुरम के नाम से यूट्यूब पर, और मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों को घर बैठे ही शिव जी के स्वरूपों के दर्शन कराऊं, है ना। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल होऊं, है ना।
भोले बाबा का तो है ही, लेकिन अंकल श्री शिवाय नमस्ते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यू मंदिर के चार मेर पार्क भी है, बच्चे यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बैठे रहते हैं, भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और कॉलोनी है, बहुत ही सुंदर कॉलोनी है ये भी, और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं, धार्मिक लोग हैं सभी। इनमें हमारे डॉक्टर भी है, रिटायर हमारे स्टाफ हैं वो।